देखा आपने, गांव वालों ने मिलकर इस रोड को बंद कर दिया है। मैं जाकर देखता हूँ। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरी टीम हैंडल कर लेगी, आप यहीं पे बैठिए। यू डोंट वरी सर। कौन हो भाई, क्या देख रहे हो? राज पैलेस जाना था। पागल हो गए हो क्या, मरना है क्या तुम्हें? क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो? वहाँ जाने वाला कोई भी आदमी जिंदा नहीं बचता है। जहाँ से आए हो वहीं वापस चले जाओ। सुनिए, आप राज पैलेस के बारे में कुछ जानते हैं? तुम लोग को मरने से कोई नहीं बचा सकता। तुम लोग शहर से आए हो, तुम लोग किसी की बात नहीं सुनोगे। तुम जैसे कितने आए और कोई भी जिंदा वापस नहीं लौटा। इस तरह की बातें हम पत्रकारों के लिए आए। चलो सुनो, ये जगह सेफ है, हम पैसे यहाँ शिफ्ट करेंगे। ओके ओके, मैं अंदर जाकर सबको यहाँ लाता हूँ, तुम यहीं रुको। जल्दी आना। आइए, यही है राज पैलेस। राज पैलेस। गुरुजी नमस्ते। ये जो आप देख रहे हैं गुरुजी, यही है राज पैलेस। आइए सर, ये है राघव गुरुजी, बहुत ही आध्यात्मिक हैं। नमस्ते। नमस्ते। अपनी आध्यात्मिक शक्तियों से ये बता सकते हैं कि प्रेत आत्मा है या नहीं है? अगर प्रेत आत्मा से संबंधित कोई भी समस्या है तो ये इसे हल कर सकते हैं। लेकिन ये सब करने की क्या सर जरूरत? हमें हर तरह से तैयार रहना चाहिए। ओके चलिए चलिए। पैसे लेने के लिए जा रहा हूं, तब तक तुम इसका ख्याल रखना। कोई है क्या? Help, please. क्या है? क्या Help. बताओ, बोलो बोलो। ये गांठ खोलो पहले। चुप हो जा, वरना जान से हाथ धो बैठेगी। मैं कहाँ हूँ? हमने अपहरण किया है तुम्हारा, मतलब किडनैप। मैं कौन हूँ पता है? मेरे पिताजी कौन है पता है? गांठ खोलो मेरी। मैं गांठ खोलना और गांठ बांधना नहीं जानता, तुम्हें जो करना है कर लो। Hey man, क्या है? I need to go to the loo. Please let me go. लू का मतलब? लू का मतलब टॉयलेट, ये टॉयलेट जाना चाहती है। अरे हिंदी में शौचालय क्यों नहीं कहा? थोड़ा सबर करो, अभी भेजते हैं। Hey. मेरा मास्क कहाँ है? ये है क्या? अब ठीक है? क्या चीप रिंगटोन है? इसमें ये रिंगटोन तो मैंने कहीं सुनी है। हेलो सर, मैं ICICI बैंक से बोल रहा हूँ, क्या हम बात कर सकते हैं? कर लो बात। आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहेंगे? हम कैश लेना चाहते हैं, तुम कैश दोगे क्या? नहीं सर, हम कैश नहीं दे सकते। हाँ तो फिर फालतू में फोन क्यों किया? तुम मेरे भाई के दोस्त हो ना? It's me. Fantastic. ये भी तुम्हारी तरह बहुत ब्रिलियंट है, तुमने तो वॉइस बदलने पर भी मुझे पहचान लिया, कमाल है। तुमने मास्क क्यों उतारा? जब ये सब जान गई तो सस्पेंस क्यों? चलो तुम भी अपना मास्क उतार दो, उतार दो, उतार दो। ओ, तो तुम ही हो इन सब के कैप्टन, तुम भी मेरे भाई के दोस्त हो ना? तो तुमने भाई से दोस्ती करके उसकी बहन को किडनैप करके धोखा दिया, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अगर उसे इस बात का पता चला तो तुम लोगों का क्या हाल करेगा पता है तुम्हें? कहाँ चले गए ये रोहित और चंदर? तिलक, तुम भी इन लोगों के साथ मिले हुए हो? अरे तुम्हारा भाई हमारे साथ नहीं मिला है, हम उसके साथ मिले हुए हैं। क्या? हाँ, ये सब इसी का प्लान है, जानती हो? चंदू जस्ट शट अप, तू चुप हो जा। अमृता प्लीज, यू जस्ट शट अप, डोंट से अ सिंगल वर्ड। तुम ही अपना भाई कहते हुए मुझे शर्म आ रही है।
अमृता, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, इसलिए मैंने ऐसा किया। पैसों के लिए अपनी बहन को किडनैप करोगे? अगर तुमने मुझसे मांगे होते तो मैं खुद पैसे तुम्हारे मुंह पे मार देती। अमृता, सिचुएशन को समझने की कोशिश करो प्लीज। डोंट ट्राई टू कन्विंस मी। पापा से कह के मैं तुम सबको ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि याद रखोगे। अमृता, जस्ट लिसन टू मी। डोंट टच मी। मैं जा रही हूँ, तुम्हें जो करना है कर लो। कह दिया? कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हारी शिकायत पिताजी से करूंगा कि तुम किसी के साथ भागने का प्लान कर रही हो। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ नहीं पता? पापा ने एंगेजमेंट अनाउंस कर दी है, मैं क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे किसी भी तरह 1 तारीख से पहले यहाँ से निकलना होगा। तुम मेरे बारे में डैडी को बता दो, मैं तुम्हारे बारे में डैडी को बता दूंगा। वेरी सिंपल। What do you mean? Nothing I mean. It's simple. तुम जो पैसे लाओगे उसमें से मेरा 50, तुम्हारा 50. What say? All are equal. सब में पैसे बराबर बराबर बटेंगे. Is that clear? Okay. Good luck, baby. Let's move. एप्पल नहीं चाहिए? ये क्या कर रहे हैं आप? यहाँ कोई प्रॉब्लम है या नहीं ये देखने की कोशिश कर रहे हो आप? आप जरा शांत रहें, थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा। देखिए, बहुत से लोग भूत प्रेत की अफवाहें फैलाते हैं लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। देखिए, सच्चाई जानने के लिए मेरे पास एक डिवाइस है, अभी दिखाता हूँ। ए कुमार, वो डिवाइस जल्दी निकालो। ये क्या है? ये अल्ट्रा मैग्नेटिक सेंसर है। अगर हमारे आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी होगी तो ये उसे तुरंत डिटेक्ट कर लेगी। चलो आगे चलो। ये बेंगलोर से 80 किलोमीटर दूर 300 साल पुराना राज पैलेस है। इस जगह के बारे में अफवाह है कि यहाँ भूत प्रेत का साया है। लेकिन आज के युग में इस तरह की बातों पे विश्वास करना जरा मुश्किल ही लगता है। हमें इन बातों पे विश्वास बिल्कुल नहीं। ए पिंटू, क्या कर रहा है तू? ओके सर। शूट करना? यस सर। यहाँ पे चारों तरफ एक सन्नाटा सा छाया हुआ है, सब कुछ बहुत अजीब सा लग रहा है। अब हम ये पता करेंगे कि यहाँ पर किसी आत्मा का साया है या ये सब सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है। ए पिंटू, क्या कर रहा है यार? शूट करना? हाँ यार। देखिए, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अगर कुछ होता तो ये डिवाइस हमें बता देता। थैंक गॉड। सर, यहाँ पे कुछ अजीब सा लग रहा है सर। कीप साइलेंस। सर, यहाँ तो किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दे रही है सर। यस, आई थिंक देयर इज समथिंग डेंजरस हियर।
हम लोगों को केयरफुल रहना चाहिए। पिंटू डोर ओपन करो और कैमरा फोकस करो। ओके सर। ऐसा लगता है अंदर कुछ है, आओ देखते हैं। ओह माय गॉड। मैंने समझाया था ना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अब पता चला ना, जिस विषय में आप नहीं जानते हो उसमें अपनी मनमानी नहीं करनी चाहिए। हाँ ठीक है। विजयदशमी के पहले दिन इस समस्या का कुछ हल निकालता हूँ। जैसी आपकी इच्छा। जब तक मैं ना कहूँ तब तक इस बंगले के अंदर कोई भी प्रवेश नहीं करेगा। Damn it! ये गाड़ी क्यों नहीं स्टार्ट हो रही है? ये क्या हो रहा है तिलक? स्टार्टिंग प्रॉब्लम, तुम जाके देखो। बोनेट ओपन करो, मैं देखता हूँ। ओके। उतर जाओ संजना। या व्हाट्स रॉन्ग गाइस? What happened? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। इस वक्त कोई मैकेनिक भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, एक काम करते हैं। अब हम यहाँ से कल निकलेंगे। क्योंकि हमारे पास अभी पैसा है, बेकार में रिस्क क्यों लें? गुड आइडिया। डैडी से क्या कहेंगे? अब उनसे मैं बात कर लेती हूँ। ओके, चंदू बैग ले आ। ठीक है, बैग मैं लेकर आता हूँ, ये तो मेरी जिम्मेदारी है ना। समस्या का कुछ हल निकालता हूं, तब तक इस बंगले के अंदर कोई भी प्रवेश नहीं करेगा। पैसे लेकर आने में बहुत खुशी होती है। 10 करोड़ रुपए। देखो अच्छी तरह से लॉक किया है ना। एक बार देख लूं क्या? अरे पैसा। अरे ये क्या भूल भुलैया है क्या? कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तुम्हारे हाथ में पैसे हैं इसलिए कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सच कह रहा हूँ, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तुम्हारे सिवाय सबको दिखाई दे रहा है।
तो बहुत बड़ा लग रहा है। वाओ, सुपर प्लेस। क्या सुपर? अरे ये तो पुराना टूटा फूटा खंडहर लग रहा है। तिलक, मुझे बहुत डर लग रहा है, चलो यहाँ से निकलते हैं। देयर इज नो अदर चॉइस, हम सबको रात यहीं बितानी पड़ेगी। हम साथ में रहेंगे तो डर नहीं लगेगा। मैं मेन स्विच ढूंढकर पावर ऑन करता हूँ। संजना तुम डरना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ चुप कर। There it is. लाइट आ गई, लाइट आ गई। वाओ, इट्स अनबिलीवेबल। तिलक, यस, पैसे उस जगह पर संभाल कर रख दो। या तिलक, 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 मैंने जिंदगी में 1,00,000 रुपए अपनी आंखों से नहीं देखे हैं, 10 करोड़ रुपए अपने हाथों से लाया हूँ। एक बार उसे देखकर खुश होना चाहता हूँ, प्लीज एक बार बैग खोल के देखूं क्या? बैग की जिप की बात कर रहा है तू? हाँ, मैं भी बैग की जिप की बात कर रहा हूँ। तू तो बहुत खतरनाक लड़का है, डबल मीनिंग बातें करता है। पैसा पैसा पैसा। अरे 10 करोड़ रुपए, इसमें से मेरा हिस्सा 2 करोड़ रुपए। वारे वार चंदर। सपने देखना बंद करो और बैग बंद करो। लक्ष्मी मैया मेरे पास ही रहना। यहाँ रख देते हैं। इट्स ओके, नजरों के सामने रहेगा ना। बढ़िया है। हे तिलक, yes? वहाँ देखो एक किताब पड़ी हुई है। किताब कहाँ? अरे हाँ, ये किताब यहाँ कैसे आई? तिलक, ये तो कन्नड़ में लिखा है, लाओ मुझे दो, मैं पढ़ता हूँ। लाओ दे दो। तू कन्नड़ अच्छी तरह से जानता है तो पढ़। बहुत सी भाषा जानता हूँ। रिलैक्स गाइस, कोई पक्षी है। हे, ओपन करो। बंगले की तस्वीर है। अगला पेज खोल के देखो। वैदेही, जन्म सन 1948 और मृत्यु 1974।
इस पृथ्वी में जन्म होता है तो मृत्यु भी होती है। इंसान का किया हुआ पाप पुण्य ही कर्म है। पाप पुण्य की वजह से ही आत्मा भटकती है। आत्मा का न जीवन होता है न मृत्यु, आत्मा अमर है, यही सत्य है। अब हमारे गांव को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। अरे तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? शकुंतला के बेटे ने जिस लड़की से शादी की है उस लड़की का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है। अच्छा, पैदा होते ही वो अपनी माँ को खा गई। सब कर्मों का फल होता है, लेकिन लोग समझ नहीं पाते। वो समझते हैं किस्मत। वैदेही की किस्मत में जो भी है वो उसके कर्मों का ही फल है। शकुंतला को ये शादी बिल्कुल पसंद नहीं थी। बेटे की जिद की वजह से ये शादी तो हो गई, लेकिन पता नहीं आगे क्या होगा। घर वालों ने मना किया, फिर भी उस लड़के ने उससे शादी कर ली। किसी के कर्मों का फल इन्हें भुगतना पड़ा। इन्हें दिल का दौरा पड़ा है। तुम रो क्यों रही हो? मेरे पिताजी को ये तीसरी बार हार्ट अटैक आया है। जिसको जो भी बोलना है बोलने दो, मैं उनकी परवाह बिल्कुल नहीं करता। भास्कर, वो जो हमारे 2000 एकड़ जमीन का केस कोर्ट में था ना, उसका फैसला आज हुआ और वो केस नागेश जीत गया। अब वो जमीन हमें छोड़नी पड़ेगी, ये कोर्ट का आदेश है। उस नागेश को अच्छी तरह सबक सिखाना चाहिए। उस नागेश को क्यों सबक सिखाएंगे? हमारे घर में एक अपशकुनी है ना, उसी की वजह से सब हो रहा है। मामा जी, आगे एक भी शब्द बोले तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मामा जी जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, भाभी अपशकुनी है। शट अप। भास्कर, बहन, ज्योतिषी के पास जाकर अगले महीने का कोई अच्छा सा मुहूर्त निकलवा लो। हाँ। और लड़की के घर जाकर मुहूर्त की तारीख बता देना। ठीक है बहन। खुश हो ना तुम? पंडित जी आइए, हम आप ही की बात कर रहे थे। मेरी बात का बुरा मत मानना। हाँ? लड़के के घर वाले जया से शादी नहीं करना चाहते। हाँ? क्यों, वो लोग ज्यादा दहेज मांग रहे हैं क्या? नहीं, आपकी बहू वैदेही की शादी इस घर में हुई है, इसलिए आपका पूरा कुटुंब अब शकुन झेलेगा, ऐसा वो सोचते हैं, इसलिए वो ये संबंध नहीं करना चाहते। Thank you.
जया क्या हुआ? छोड़ा मत मुझे। माँ, जिस दिन से तुम्हारे कदम इस घर में पड़े हैं, उस दिन से हमारे साथ बुरा ही हो रहा है। न जाने और क्या क्या सहना पड़ेगा हमें। जया, अपने आप को संभालो जया, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। जब भी से देखती हूँ ना, जान से मौत देने का मन करता है। तो इंतजार किस बात का है? मैं पूछ रही हूँ, हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? अगर वो इस घर में रहेगी तो मौतें होती रहेंगी, इससे अच्छा उसकी मौत हो। माँ, लेकिन भैया, उसकी चिंता मत करो तुम। कोई कारण बताकर तुम्हारे भाई को बेंगलोर भेज दूंगी मैं। भास्कर, हमने उसे मारा है ये किसी को पता ना चले। काम सफाई से होना चाहिए। ये बात तुम मुझ पर छोड़ दो। मोहन, तुम अभी भी मुझसे नाराज हो क्या? मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने बिना सोचे समझे इतना कुछ कह दिया। देखो जया भी उस बात से दुखी है। अब तुम रुको, मैं देखती हूँ। हेलो मालकिन, आपका जो जहाज बैंगलोर आ रहा था वो डूब गया। हाँ? सच में? क्या कह रहे हो तुम? मोहन, क्या हुआ माँ? बैंगलोर में हमारा जहाज डूब गया। क्या? हाँ भास्कर, मोहन तुम्हें तुरंत वहां जाना चाहिए। ड्राइवर, गाड़ी निकालो। चलो चलो आओ, सबको छोटी मालकिन ने बुलाया है। क्या हुआ? पता नहीं क्यों बुलाया है। तुम लोगों को आज से एक हफ्ते की छुट्टी दी जा रही है, तुम लोग अपने अपने घर जाओ। चलो अच्छा हुआ ना, छुट्टी मिल गई। मालकिन, दूध। ठीक है, अब तुम जाओ। ठीक है मालकिन। दूध दे दिया उसे? जी मैंने दे दिया। ठीक है, तुम जाओ। अच्छा। मामा जी आगे। तुम उसे प्यार से समझाकर किसी भी तरह उसे छत पर लेकर आ जाना, वहां मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा और पीछे से आकर उसे धक्का दे दूंगा। वो छत से फिसल कर गिर गई, ऐसा हम सबको बता देंगे, किसी को शक नहीं होगा। ठीक है। सुनो, अभी मत जाओ, 5 मिनट इंतजार करने के बाद उसे लेकर आना, तब तक जहर का असर दिमाग पर चढ़ जाएगा। मैं छत पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है मामा जी। चला। क्यों लगा रही हो? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। वो देखो। अब क्या करना है मामा जी? Ah.
तुम? दरवाजा खोलो। वैद्य ही चिल्ला रही है, उसे सहायता की आवश्यकता है। तुम अपना काम करो और सुनो, तुमने कुछ नहीं सुना, चलो जाओ। मैं जाकर देखता हूँ। तड़प रही थी, लेकिन किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। आखिर उसकी आवाज बंद हो गई। ये बात सुनकर उसका पति अपनी याददाश्त भूल बैठा। शरीर को मृत्यु आ गई, लेकिन आत्मा नहीं मरी। उसकी आत्मा ने बदला लिया। जो जो उसकी मौत के कारण थे, उन सबको मार डाला। वैदेही की आत्मा अपने पति का इंतजार राज पैलेस में कर रही है। अरे यार, इस बंगले में तो भूत है भाई। रे रोहित, सब लोग कहाँ चले गए मुझे छोड़कर? रोहित, तिलक अकेला छोड़कर कहाँ चले गए? तिलक, रोहित, तिलक, कौन है? कहाँ चले गए तुम लोग? अरे ए, क्या हो रहा है? मैं डर नहीं रहा हूं। तिलक, रोहित, अरे कहाँ चले गए तुम लोग? मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? अरे ए, तुम लोग जानते हो ना, इस बंगले में भूत है। मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे मेरे पैसे दे दो, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। बस मुझे मेरा हिस्सा दे दो यार। रुको रुको, तुम्हें क्या लगता है भूत सिर्फ बंगले में ही होते हैं? वो जंगल में भी होते हैं। जाओ, जाना है तो जाओ। तू चुप कर यार, देखना कितना डरा हुआ है। हे चंदर, तू इस बुक की बात से मत घबरा। किताब बेचने के लिए मनगढ़ंत कहानियां बनाते हैं ऐसा क्या? और तुम्हारे जैसे लोग मानते हैं। चिल यार, कूल डाउन। नहीं तिलक, यहाँ पर भूत है। मैं निकलता हूँ। लाइट ऑफ हो गई, लाइट ऑफ हो गई। अब अगले में भूत है, मैं जाता हूँ। ट्रिप हो गया है, मैं देख कर आता हूँ। रोहित, तू इसे संभाल। ओके। रोहित, क्या हो रहा है ये सब? रोहित, हाँ, कार में बियर है, गेट इट। ओके। तुम लोग के लिए लाया हूँ, लेट्स एंजॉय। एंजॉय किसके साथ? भूतों के साथ। और किसके साथ? भूत के साथ। संजना, क्या कर रही हो? कौन है? संजना, डोंट प्ले विद मी। समथिंग इज रॉन्ग। वो अभी तक आया है क्यों नहीं? हाँ, रोहित, ले आओ, ले आओ। हाँ। सबको बांट दो। हाँ, फाइनली। पकड़, ये ले, पकड़, ये ले। थैंक यू। चीयर्स। बहुत मजा आ गया। पता है तुम्हें यहाँ बाथरूम कहाँ है? क्या क्या कहा? बाथरूम कहाँ है? बताता हूँ सर, ये किचन है, ये डाइनिंग हॉल है, ये बेडरूम है, और यहाँ समझ लो बाथरूम है। इसे क्या फाइव स्टार होटल समझ रखा है? ऊपर जाओ, ढूंढो किधर है बाथरूम। आया, बाथरूम कहाँ है जी? हेलो,
अगर डर लगे ना तो हाँ चंदर है काम दिया करो रे। अरे मैं हूँ ना। इस बाथरूम में वहां बाथरूम में क्या है? सच क्या है? क्या बाथरूम में? चलो दिखा चल दिखा चल क्या क्या हुआ तिलक यहां पर क्या है? यहां पर तुम्हारी बहन की डेड बॉडी देखी मैंने। ज़्यादा पी लिया क्या? क्या बक रहा है तू? ए, ज़्यादा पीने के कारण तुझे वहम हो गया? मैं सच में यहाँ आया था और मैंने देखा कि तुम्हारी बहन की लाश की नाक से खून बह रहा था। रोहित, मेरी बहन नीचे है। चल, मैं दिखाता हूँ तुझे। चल। मेरी बात मानो, मैंने ज़्यादा शराब नहीं पी और मैंने सच में तुम्हारी बहन को देखा था। तू चुप। चल। अमृता, ये कहाँ गई? अमृता? अमृता, 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 अमृता कहाँ गई? मुझे नहीं पता। रोहित चिल्लाया तो मैं भी तुम्हारे पीछे दौड़ के चली आई। मेरा मतलब यहीं कहीं होगी वो। But I'm not sure। तिलक, तुम उसकी बात पर भरोसा मत करो। मेरी बात पर यकीन करो। मैंने खुद उसकी डेड बॉडी को यहाँ पर देखा। Believe what I'm saying। रोहित, प्लीज काम डाउन। अमृता को कुछ नहीं हुआ, वो यहीं है। ओके, रिलैक्स। मुझे बहुत डर लग रहा है। चंद्र, तू तो चुप ही रह। प्लीज शांत हो जा। प्लीज संजना, चलो चल के ढूंढते हैं। अमृता, अमृता, where are you? अमृता, अमृता, कहाँ हो तुम? ये इस वक्त मजाक क्यों कर रही है? हे भगवान, ये कहाँ गई होगी? वो कहीं दिखी? हाँ? नहीं यार, कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। तुम लोग मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं करते? मैंने अपनी आंखों से अमृता की डेड बॉडी को वहाँ पर देखा है। रोहित, जस्ट स्टैंड अप। ये सिर्फ तुम्हारा बहम है। तू उधर देख, तुम उधर देखो। हाँ। तू मेरे साथ आ। अरे रे रे, मैं नहीं आऊंगा। मुझे इसकी बात सुनकर बहुत डर लग रहा है। तुझे डर लग रहा है तो तू यहीं रुक, मैं जाके ढूंढता हूँ उसे। अरे ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे छोड़कर मत जाओ। अरे मुझे बहुत डर लग रहा है। अमृता, अमृता, अमृता,
शांत हो जाओ। भूत है, भूत। क्या हुआ तुम्हें? मैंने वहाँ किसी को देखा। मैंने वहाँ किसी को देखा। वो बहुत डरावनी थी। वो बिल्कुल अमृता की तरह दिख रही थी। लगता है उसने अमृता को मार दिया है। लगता है तुम्हारी बहन भी भूत बन गई है। तिलक तिलक, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैंने तुम्हारी बहन की डेड बॉडी को वहाँ पर देखा। मैंने उस किताब में पढ़ा था कि इस बंगले में भूत घूम रहा है। चुप। लेकिन अभी तक मैंने तो भूत नहीं देखा ना। इस कंप्यूटर के जमाने में तुम लोग भूत प्रेत पे विश्वास करते हो? नॉनसेंस। अरे बाप रे, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए तिलक। हम, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं यहाँ नहीं रह सकती। संजना, शांत हो जाओ। संजना रिलैक्स। ये बहुत डर गई है, मैं इसे संभालता हूँ। तुम लोग जाके अमृता को ढूंढो। आ जाओ संजना। अरे यार, ये तो कुछ समझ ही नहीं रहा है। इसका क्या करें हम लोग? अमृता, 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 अमृता। जिंदगी कॉमेडी फिल्म की तरह होगी सोचा था, ये तो हॉरर फिल्म की तरह हो गई। सांप की तरह आवाज मत निकालो। बकरा खुद कसाई से जाकर कहे कि आओ कसाई भैया, आकर मुझे काट लो, मेरे टुकड़े 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 करके रख दो। यहाँ कुछ है रोहित, आओ हम दोनों मिलकर देखते हैं क्या है। अरे ये अमृता कहाँ चली गई? कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अमृता, अमृता, अरे ये क्या भगवान, तुम मेरी हालत देखकर हंस रही हो। ये तुम्हारा पति है क्या? तुम शायद इसी का इंतजार कर रही हो। मुझे कुछ मत करना। वो तो गायब हो गई। हे भगवान स्वामी जी। तिलक रोहित कोई बचाओ। चंदर, मुझे मार डालेगी। अरे मुझे बचाओ। चंदर क्या हुआ तुझे? मुझे बचाओ। रोहित, तिलक, अरे उसका प्रेम भूत है, वो मुझे जान से मारने के लिए आई थी। अरे मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। चंदर, तेरे साथ क्या हुआ? सच सच बता। वहाँ भूत है, वो मुझे डरा रही थी भाई, वो मुझे मारना चाह रही थी। इन सब का कारण तुम लोग हो यार। तुम लोग क्यों मुझे अकेले छोड़कर चले गए? क्या हुआ जानते हो? वहाँ चुड़ैल की तरह मेरे पास आई थी, मुझे डरा रही थी। सब लोग मुझे छोड़कर चले गए, वो मुझे मार डालेगी। बहुत डरावनी थी, बड़े बड़े बाल, नाखून। अरे बाप रे, अरे मैं मर जाऊंगा। अरे हाँ तिलक, अब हम लोगों में से कोई भी यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा सकता। तिलक चलो यहाँ से। तिलक प्लीज, प्लीज चलो यहाँ से। चलो चलो ना तिलक, प्लीज। सब लोग कह रहे हैं तो सच हो सकता है, लेकिन मेरी बहन, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिर हो क्या रहा है ये सब? लाइट चली गई, लाइट चली गई। वहाँ देखो, वहाँ देखो, वो देखो, वो ये तो अमृता की आवाज है। अमृता जिंदा है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? पहले बताओ कि मैं कहाँ हूँ। मुझे किसी ने किडनैप कर लिया था। जो पैसे तुम लाओगे, तुम्हारा 50, मेरा 50। आज रात यहाँ ठहर के कल चले जाएंगे। यहाँ एक डोर है।
मैंने वहां कुछ देखा, वो बिल्कुल अमृता जैसी दिख रही थी। तुम सच कह रही हो? तुम्हारे साथ क्या हुआ था? तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम? मैं कुछ नहीं जानती तिलक। सुबह किसी ने डैडी की आवाज में बात करके मुझे किडनैप कर लिया। मैंने तुमसे कहा था ना कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए। हाँ ठीक है। हाँ तिलक, संभालो उसे। चंदर, रोहित कहाँ है? अरे वो हमारे साथ ही तो आया था। रोहित चलो। रोहित, तुझे किसने मारा? वो भूत। कौन भूत? रोहित, वो वहाँ पर एक भूत है, तुम्हारी बहन पर एक भूत की आत्मा है। मुझे नहीं पता, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। रोहित, तुम्हारी बहन पर एक आत्मा है। कुछ नहीं होगा रोहित, वो सबको मार डालेगी। तिलक तुम लोग यहाँ से भाग जाओ। रोहित तुझे कुछ नहीं होगा। रोहित तू हमारे साथ चलेगा। जाओ रोहित। नहीं रोहित, तुम हमारे साथ चलेगा। रोहित 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 ये तो मर गया है, इसे छोड़ दो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? प्लीज यहाँ से निकल चलते हैं। प्लीज रोहित, प्लीज तिलक, अगर हम यहाँ रहेंगे तो मारे जाएंगे। चलो यहाँ से। अरे रुक जाओ, मैं पैसे लेके आता हूँ। चंदर, चल चल जल्दी उठ। अरे बाप रे बाप रे बाप रे, सारे पैसे चल गए, मेरे पैसे चल गए, मेरे पैसे। चलो जल्दी, मेरे पैसे जल्दी। गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तिलक, गाड़ी
के साथ साथ रोहित की डेड बॉडी भी रख हो गई। आगे अब मुझे सवाल है। सुनो, आज शाम तक का मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूँ। अगर पैसा नहीं पहुंचा ना, तो शाम तक हम लोग जरूर पहुंच जाएंगे। डैड, मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे अर्जेंट पैसे चाहिए, प्लीज डोंट से नो। सुनो, तुम्हें जो भी बिजनेस करना है उस बिजनेस के बारे में मुझे पूरी डिटेल्स बताओ। सब कुछ जानने के बाद मैं ये डिसाइड करूंगा कि तुम्हें पैसे देने हैं या नहीं। एक चांस तो दीजिए, अब ये बदल गया है डैडी, प्लीज डैड। अमृता, तुम इसके बीच में मत पड़ो, तुम्हारी सारी तैयारी हो गई ना। hey, इसके फ्लाइट का टाइम हो गया है, इसे ड्रॉप करके आओ। तुम टेंशन मत लो, मैं जैसे ही वापस आ जाऊंगी डैड से कहकर तुम्हें पैसे दिलवा दूंगी। मुझे पैसों की चिंता नहीं है, रोहित के मरने की चिंता है। रोहित ने हमारी मदद की थी जिसमें उसकी जान चली गई, ऐसा होगा मैंने कभी नहीं सोचा था, ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं? तुम उसकी चिंता छोड़कर अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। मेरी सारी बातें तुम्हें याद है ना? सो आई विल बी बैक सून। यू टेक केयर, बाय बाय। हे तिलक, कार की। हे तिलक, कार की। मैंने कार की रोहित को दी थी और गाड़ी अमृता ने स्टार्ट की। अमृता के पास चाबी कहाँ से आई? हाउ इट्स पॉसिबल? इंक्वायरी काउंटर किधर है? दिस वे। एक्सक्यूज मी, अमृता नाम की पैसेंजर, मैंगलोर फ्लाइट, वो फ्लाइट चली गई क्या? इट्स एन इमरजेंसी, प्लीज चेक करिए ना। सॉरी सर, इस वक्त मैंगलोर के लिए कोई फ्लाइट नहीं है। तो वहां से बोर्डिंग पास? That's Malaysian Airlines. Excuse me, sir. वो पैसेंजर जो नाम आपने बताया इस फ्लाइट में चेक इन हो गया है और वो फ्लाइट टेक ऑफ होने वाली है सर। 31 तारीख किसी भी हाल में बेंगलोर से निकलना जरूरी है। है तिलक, कहाँ हो तुम? डेड अमृता। हाँ ठीक है, मंडी हिल्स में राज पैलेस जानते हो क्या? राज पैलेस? वहाँ जल्दी पहुंचो। पर वो क्या वो कर रहे हो, जल्दी आ जाओ। ओके डैड, मैं आता हूँ। सर ये टोटल 3 लेयर्स हैं, हम इसे जल्दी ही फिनिश करेंगे। हाँ, आप इसको आगे तुम देख लीजिए। देखो इसे हमने खरीद लिया है, कैसा लगा? इसकी रिनोवेशन की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। सर, बंगलो के ओनर को मैंने 25 करोड़ रुपया ट्रांसफर कर दिया है, उन्होंने ये डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं। ओह गुड गुड गुड। डैड, मैं ये डॉक्यूमेंट देख सकता हूँ? श्योर श्योर, देखो देखो। मैंने इसे रोहित के रूम में देखा था। डैड, इस प्रॉपर्टी के कितने दिए? 50 करोड़ दिया, 100 करोड़ इसकी कीमत है, 25 करोड़ एडवांस में दिया है और 25 रजिस्ट्रेशन के टाइम पर दूंगा। तो रोहित मरा नहीं, उसने हमें धोखा दिया। मानो तो मेरे पास एक प्लान है, किडनैप। तुम अमृता को डैडी की आवाज में कॉल करके इस जगह पर ले आना। ओके गाइस, लेट्स गो फॉर द कॉल।
आज रात यहाँ ठहर के कल सुबह चले जाएंगे। गुड आइडिया। बैग वहां रखो, वो जगह सेफ है। ऐसा सोचा था, साइलेंटली हासिल कर लिया। दुनिया में जब तक धोखा खाने वाले जिंदा हैं, तब तक हम धोखा देते रहेंगे। लेकिन तुम्हारा प्लान तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। लोग कहते हैं कि इस बंगले में कोई घटना हुई थी और उसी घटना को लेकर मैंने भी एक कहानी क्रिएट कर दी कि ये भूत बंगला है। इस बंगले की कीमत 100 करोड़ रुपए है और इसके असली मालिक का नाम अमरीश है, जो कि मैं हूँ। मैंने एक नकली अमरीश को TV9 से कांटेक्ट करवाया। इस बंगले के भूता होने की खबर आसपास के सारे गांव में फैल गई। तुम्हारे पिताजी को जब पता चला कि 100 करोड़ की प्रॉपर्टी 50 करोड़ में बिक रही है, तो वो इसे खरीदने के लिए तैयार हो गए। वो मेरे जाल में फंस गए, यानी तुम्हारे पिताजी। उनसे एडवांस में 25 करोड़ मिला और किडनैप करने का 10 करोड़ बोनस। दैट्स इट, टोटल 35 करोड़। मेरा टारगेट 25 करोड़ नहीं, पूरे 100 करोड़। Then we will flying to America. But how? Wait my darling, सब समझ जाओगी। हेलो। हेलो सर, राज पैलेस का मालिक अमरीश है ना? हाँ। वो आदमी नहीं है सर। वो आदमी नहीं है? अरे वही आदमी अमरीश है भाई। बंगले का मालिक अमरीश तो है सर, लेकिन जो आदमी आया था वो अमरीश नहीं है। क्या बात कर रहे हो, वो अमरीश नहीं था? नहीं सर, मैंने पूरी तरह चेक कर लिया है। ठीक है, तुम उसकी कंप्लेंट कर दो। ओके सर। गुरुजी, एक मिनट, मैं समझ रहा हूँ। आपके हिसाब से वहाँ कुछ भी नहीं है, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? गुरुजी, उन लोगों ने फ्रॉड करके कुछ कहानियां बनाई थी, यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हेलो सर, कैमरामैन पिंटू को होश आ गया है। अच्छा, आप लोग जल्दी आइए। ठीक है, हम अभी आते हैं। This palace is 100 years old. तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? चलो तो पता चल जाएगा। Wow. Welcome sir. He is Mr. Rorich. Hi, I'm Sandeep and she is Rashmi. Hello. आप बकरा तो बहुत अच्छा पकड़ कर लाए हो। मुझे लगता है कि हमें तिरुपति जाके दर्शन करना चाहिए। ठीक है, पहले हम तिरुपति चलेंगे। So you like this deal, yeah? Yeah, yeah, yeah. Yeah, I like it. Yeah. All right. So we'll meet tomorrow for agreement process. Okay. Okay? No problem. Thank you. ठीक है, तुम कार में बैठो, मैं इन्हें छोड़ कर आता हूँ। Yeah, sure. Come. Please. तो कल हम रजिस्ट्रार के ऑफिस में मिलते हैं। ओके। हो सकता है कि तब तक रघु को भी पता चल जाए। तुम होशियार रहना। ओके। तो कल मिलते हैं। मिलते हैं। बाय बाय। चलो भाई। कैसे हो? तबीयत कैसी है अब तुम्हारी? सर। अमृता, तुम घबरा क्यों रहे हो? तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, परेशान मत हो। इस डिवाइस के ब्लास्ट होने से तुम्हें शॉक लगा है बस। नहीं सर, मैंने देखा था सर। किसे देखा था तुमने? सर, एक लेडी को। क्या कहा? लेडी को? हाँ, हाँ, हाँ। यही लेडी है क्या? देखो। हाँ, 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 सर, यही है सर, यही है। कहीं बंगले के अंदर तो नहीं चली गई? हाँ सर, यही है सर, यही है सर, यही है, यही है, यही है सर, यही है, यही है, यही है, यही है, यही है, यही है सर, यही है। अमृता, यहां जो प्रेतात्मा निवास कर रही है, यह प्रेतात्मा यहां से आसानी से नहीं जाने वाली। गुरुजी, उस प्रेतात्मा को मैं देखना चाहता हूं और उसके लिए मैं आज ही शूटिंग करने जाऊंगा। अमृता, नहीं, आज ही वैदेही का मृत्यु दिवस है। वहां कोई भी गया तो वो जिंदा नहीं बच पाएगा।
अमृता, अमृता, तुम भूत के नाम से सबको डराते हो ना, और अभी तुम खुद डर गए है ना। सच बोलो, डर गए थे ना। डर गया था। चलो अब जल्दी चलो, देर हो रही है। ए रोहित, हाँ वहां देखो। ये किताब वहां उस कमरे में थी ना। ये किताब हमारे प्लान में काम आएगी। संभल के रोहित, डोर ओपन करो। हाँ